व्हील चेयर फेडरेशन ऑफ इंडिया के सौजन्य से हमीरपुर के सुजानपुर में प्रदेश की पहली हिमालयन व्हील चेयर क्रिकेट ट्रॉफी का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में पंजाब हिमाचल की संयुक्त टीम के अलावा हरियाणा उत्तर प्रदेश व छत्तीसगढ़ की टीमों ने हिस्सा लिया। दो दिवसीय इस प्रतियोगिता का शुभारंभ SDM सुजानपुर शिल्पा बेक्टा ने किया, तो कार्यक्रम में वरिष्ठ अतिथि के रूप में भाजपा मंडल अध्यक्ष वीरेंद्र ठाकुर ने शिरकत की। व्हील चेयर फेडरेशन ऑफ इंडिया के सौजन्य से हमीरपुर के सुजानपुर में प्रदेश की पहली हिमालयन व्हील चेयर क्रिकेट ट्रॉफी का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में पंजाब हिमाचल की संयुक्त टीम के अलावा हरियाणा उत्तर प्रदेश व छत्तीसगढ़ की टीमों ने हिस्सा ले रही हैं। दो दिवसीय इस प्रतियोगिता का शुभारंभ SDM सुजानपुर शिल्पा बेक्टा ने किया, तो कार्यक्रम में वरिष्ठ अतिथि के रूप में भाजपा मंडल अध्यक्ष वीरेंद्र ठाकुर ने शिरकत की। आया तू इधर, एक मिनट बेटा। इस मौके पर व्हील चेयर फेडरेशन ऑफ इंडिया की प्रदेश उपाध्यक्ष बाइटका श्रूद ने बताया कि पहली बार प्रदेश में आयोजित की जा रही प्रतियोगिता में 3 टीमें हिस्सा ले रही हैं और सभी खिलाड़ियों को व्हील चेयर फेडरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से सम्मानित भी किया जाएगा। ये WCFI व्हील चेयर क्रिकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया नाम की एक NGO है जो मैडम रेखा त्रिवेदी जी ने स्टार्ट की थी, और इसमें जो है ये हिमाचल में फर्स्ट टाइम जो है, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगी, फर्स्ट हिमालयन व्हील चेयर क्रिकेट टूर्नामेंट होने जा रहा है, और ये मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि मुझे भी इस टीम का मेंबर बनने का मौका मिला है, और फर्स्ट टाइम ये हिमाचल में हो रही है, तो मैंने इसके लिए जो है डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर को प्रेफरेंस देना चाही थी। तो डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में जो है सुजानपुर में सबसे बड़ा ग्राउंड अवेलेबल था, तो सुजानपुर में जो है फिर इस चीज़ का आयोजन आज इसकी ओपनिंग है और कल इसकी क्लोजिंग है। प्लेयर्स जो थे हमारे पास वो 7th को पहुंच चुके थे, 7th इवनिंग को ऊना में, फिर ऊना से हमने प्लेयर्स को यहाँ पे स्टे वगैरह सारा उनका सुजानपुर में। तो इसके लिए मैं पूरी टीम का WCFI का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हिमाचल जैसी जगह पे भी इस चीज़ को करने का हमें मौका दिया और हम लोगों ने ट्राई करा कि हम लोग अपना बेस्ट कर पाए। ओपनिंग में जो थे वो प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी ने आना था, बट ड्यू टू कुछ फैमिली इश्यूज की वजह से जो है इसकी ओपनिंग मैडम SDM सुजानपुर शिल्पा बेक्टा जी कर रहे हैं, और उनके साथ एज जो हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर में रहेंगे वो रहेंगे जो हमारे अभी मंडल अध्यक्ष वीरेंद्र ठाकुर जी हैं, वो यहाँ पे एज चीफ गेस्ट रहेंगे। इसमें पार्टिसिपेटिंग टीम जो है वो हमारी पंजाब और हिमाचल इकट्ठा खेल रहा है, और दूसरी टीम हमारी UP की है, और तीसरी टीम जो है हमारी छत्तीसगढ़ है। तो ये टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, और मैं मैक्सिमम लोगों को बोलना चाहूँगी कि इन लोगों के साथ आएं, बात करें, और इन लोगों को घर की तरह जो है वो फील हो यहाँ पे, ऐसा ना लगे कि बहुत दूर आए हैं ये बच्चे। तरफ जो सुजानपुर का मैदान है उसको देखने के लिए हिमाचल में पहली बार आज जो विकलांगों युवा है वो कुछ कर गुजरने के लिए आज उदाहरण पेश करने के लिए सुजानपुर मैदान में एकत्रित हुए हैं, बल्कि ये युवा हिमाचल के नहीं बल्कि 4 राज्यों के युवा जो हैं इस जो ग्राउंड है हिमाचल का ऐतिहासिक ग्राउंड सुजानपुर टिहरा का, उसमें दमखल दिखाने के लिए क्रिकेट खेलते नजर आ रहे हैं, जो कि एक प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। वो कि ना कि ये युवा चौके छक्के मतलब क्रिकेट ही नहीं खेल रहे हैं, बल्कि चौके छक्के लगाकर भी जो लोग आम जिंदगी जी रहे हैं उसको भी घुटने टेकने पर मजबूर करते नजर आ रहे हैं। ये कार्यक्रम लगातार पीछे 2 दिनों से सुजानपुर टिहरा में चल रहा है, जिसका आज समापन जो होगा वो मीणा जो हमारे उपायुक्त हमीरपुर हैं उनके कर कमलों से होगा। आज हम इस मैच की जो ओपनिंग जो 22 सेक्रेटरी है अपनी वाइस प्रेसिडेंट से बात करेंगे कि क्या आपको विचार आया कि ऐसे जो टूर्नामेंट है वो हिमाचल में होने चाहिए, ताकि जो विकलांग हैं उनको प्रोत्साहन मिले और आगे बढ़ने की जो प्रेरणा है वो मिले। आज हम भाटका सूद जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं उनसे बात करेंगे कि क्या कारण रहा कि आपको ये मतलब समझने का मौका मिला है। और
मुझे एक साल पहले गोयल सर से मेरी इंट्रोडक्शन हुई पालमपुर में एक ऑफिशियल फंक्शन में। गोयल सर से मैंने आइडिया शेयर किया कि सर हम किसी ऐसी संस्था के साथ जुड़े हैं जो बच्चों के लिए अच्छा करे। तब तक मुझे कोई आइडिया नहीं था कि इस तरह का हम कोई फंक्शन जो मैडम रेखा त्रिवेदी जी जो है वो रन कर रहे हैं WCFI ऑर्गेनाइजेशन और वो इस तरह से जो है व्हील चेयर बच्चों के लिए जो है वो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। काफी इन्फ्लुएंसिव लगा और मुझे लगा कि अगर हम लोगों को मौका मिलता है तो हमें इस टीम का जो है एक हिस्सा बनना चाहिए। और मैंने बिना सोचे समझे सर के बोलने पे और सर भी जुड़ रहे थे इससे तो मुझे लगा कि हिमाचल का कोई अपना जो है इस टीम का हिस्सा है बनने जा रहा है तो मैंने भी सर के साथ डिसीजन लिया कि मैं भी उनके साथ चलूंगी और बच्चों के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करूंगी। तो रेखा त्रिवेदी मैम से बात हुई दो बार सिर्फ फोन पे और उन्होंने मुझे बोला कि ऐसे ऐसे डॉक्टर जी ऐसा हमारा है और हम हिमाचल में इसको लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं, हिमाचल में स्टार्टअप कर रहे हैं। तो मैंने बिना सोचे समझे मैम को बोला यस मैम हमने इनिशिएटिव लिया है और मैंने और गोयल सर ने दो बार बात की और फिर हम जाते हैं इसको करवाने का जो है स्टार्टअप। कितने आप लोग इतना बड़ा फंक्शन करने में आई है और कैसे आपको मतलब इसको प्रोत्साहन आपको मिला है? सर मुझे एडमिनिस्ट्रेशन की साइड से बहुत प्रोत्साहन मिला है। मैं खुद हमीरपुर में वैसे सेटल हूँ बेसिकली सुजानपुर से, पर मैंने सिर्फ 10 दिन पहले SDM मैडम से मिली, EO सर से मिली, सुजानपुर के मेयर से मिली, HDFC बैंक वाले मैनेजर जो है सबने मुझे मतलब बहुत कॉपरेट किया। बहुत कम टाइम में जो है हमने इतना बड़ा इतने बड़े लेवल पे जो है ये फंक्शन ऑर्गेनाइज किया है और जो थोड़ी बहुत भी हमने एक डिटेल में बैठ के एक मीटिंग की है तो नेक्स्ट टाइम जब भी हमें मौका मिलेगा इसको करवाने का तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि पूर्ण कर सकें। और एडमिनिस्ट्रेशन का हमारा पूरा सहयोग मिला है और मैं धन्यवाद करना चाहूँगी सुजानपुर की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन का, DC सर हमीरपुर का, बाकी BJP के भी सारे मेंबर्स यहाँ पे थे उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। सुजानपुर का भी थैंक्स करना चाहूँगी, HDFC बैंक का मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहूँगी, प्रकाश सत्याल जी का मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहूँगी, बाकी सभी लोगों का जो है वो कॉपरेशन मुझे मिला है। और स्पेशली मैं प्रेस क्लब का भी थैंक्स करना चाहूँगी कि उन्होंने बहुत अच्छी कवरेज हमें लास्ट डे भी दी है एंड आई होप कि आगे भी ये पूरा कॉपरेशन से चलेगा। सेक्रेटरी के पद पर तैनात हैं तो आप हमें बताइए कि क्या मतलब आपने यहाँ पे जो ऑर्गेनाइज किया है फंक्शन तो ये हर साल यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाएगा कि क्या रहेगा सर, इससे बड़ी अगले साल सेलिब्रेट किया जाएगा कि मतलब कैसे करेंगे आप? सर हमारी कोशिश ये है कि जो हमने ये मुहिम चलाई है विकलांग बच्चों के लिए या स्पेशली एबल्ड बच्चों के लिए उसमें हर एक एज ग्रुप इसमें शामिल हैं प्लेयर्स, कोई ऐसा नहीं है कि छोटे बच्चे ही हैं, 20-21-22 साल के प्रोफेशनल्स भी हैं जो यूपी से या छत्तीसगढ़ से या हिमाचल से आए हैं। हमारी आगे भी कोशिश ये रहेगी कि हम इस किस्म की स्पोर्ट्स को खाली क्रिकेट को ही नहीं, वाटिका जी ने भी शेयर करा है कि ये भी बहुत ज़्यादा सोशल सर्विस में सुजानपुर और हमीरपुर में बहुत ही ज़्यादा कार्यरत रहती हैं ये, तो मेरा इनसे अनुरोध और हम जुड़ने की कोशिश ये करेंगे कि हम क्रिकेट ही नहीं बाकी स्पोर्ट्स में भी जो स्पेशली डिसेबल्ड बच्चे हैं एबल्ड बच्चे हैं उनको हम आगे बढ़ाएं ताकि वो ज़िंदगी में एक उनको एक राह मिले और वो हर एक चुनौती से लड़ सकें ज़िंदगी में। तो अगले साल भी हम कोशिश करेंगे इससे बेहतर करें, जो छोटी मोटी कमी पेशियाँ इस बार हमारे दोनों से रह गई हैं, जैसे हमारे को विकलांग बच्चों के रहने के लिए बहुत मुश्किलें आई, वाटिका जी ने तो बहुत अच्छे तरीके से निभाया ये, स्कूल में हमने इनको ठहराया बट इनके टॉयलेट्स में वो बताया गया कि स्पेशल होने चाहिए टॉयलेट्स क्योंकि इनको इंग्लिश WC चाहिए होती है, ये इंडियन WC में नहीं जा सकते या इनको नहाने की सुविधाएं जो और इनके हिसाब से होनी चाहिए क्योंकि कई तो शरीर से बिल्कुल ही अपंग हैं जिनकी अपर बॉडी बिल्कुल काम नहीं करती। तो आगे के लिए हमने इस बात का भी ध्यान रखना है कि हम उस किस्म के इनको प्रावधान दे सकें और आगे के लिए हमारा ये रहेगा कि अगले साल हम इससे बेहतर टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करें। आज हमने बात की जो एसोसिएशन क्रिकेट मेंबर्स हैं उनसे बात की और उन्होंने आश्वासन दिया है कि आगे जो समय होगा विकलांग बच्चों के लिए वो क्रिकेट से सीमित नहीं रहेगा, अन्य जो गेम्स होंगी उसमें
करेंगे और भविष्य में आने वाले जो समय होगा वो विकलांग बच्चों के लिए जो नई नई गेम्स ऑर्गेनाइज ये मेंबर करेंगे ताकि विकलांग बच्चों को हौसला मिले और उत्साह मिले, जिसके लिए जो टीम मेंबर है उसने जो स्थानीय प्रशासन है उसका भी बहुत से तह दिल से धन्यवाद किया है। आज टुडे के लिए राजन मेहता सौरभ गुप्ता के साथ। बेहिम बाछवा मंडल अध्यक्ष ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि सुजानपुर में प्रदेश की पहली प्रतियोगिता आयोजित होने से क्षेत्र गौरवान्वित हुआ है और खिलाड़ियों के दमखम देखकर सभी उत्साहित है। बधाई देने जाता हूँ, ये पहली बार फर्स्ट टूर्नामेंट यहाँ पे सुजानपुर में हो रहा है, अलग तरह का पहला टूर्नामेंट हमारे हिमाचल में हो रहा है। इसके लिए हम जी और इसके टीम के टीम बधाई के पात्र हैं और हम चाहते हैं भविष्य में भी यहाँ पे ऐसे टूर्नामेंट यहाँ पे होते रहे और स्थानीय जनता को भी उसका उनको देखने का मौका मिले। एसडीएम शिल्पा बेक्टा ने कहा कि इस प्रतियोगिता ने संविधान के पहले अनुच्छेद को साबित किया है, भारत विभिन्नताओं का देश है और सभी लोग मिलजुल कर देश के हर गतिविधि में हिस्सा लेते हैं। उन्होंने अन्य राज्यों से आई टीम के सदस्यों को स्वागत किया और सफल प्रतियोगिता के आयोजन की भी शुभकामनाएं दी। लेकिन सुजानपुर बहुत ही ऐतिहासिक शहर है। यहाँ का इतिहास 250 से 300 साल पुराना है, राजाओं द्वारा बसाई गई नगरी है और हिमालय की गोद में बसा हुआ है। साथ ही में आज जो यहाँ क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है वह एक तरह से हमारे संविधान का जो पहला अनुच्छेद है भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स उसको यथार्थ साबित कर रहा है। आज हमारे यहाँ के खिलाड़ी हैं तो ना केवल हिमाचल प्रदेश से हैं बल्कि छत्तीसगढ़, हरियाणा और पंजाब से भी आए हैं। इतने अच्छे कार्य को अंजाम देने के लिए व्हील चेयर क्रिकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया को मैं दोबारा धन्यवाद दूंगी और यही आशा करूंगी कि ये जो हमारे खिलाड़ी हैं ये आगे और बढ़िया करें अपने जीवन में और इसी तरह से आप लोग इनको सहयोग दें। ये खिलाड़ी हमारे लिए रोल मॉडल्स हैं और इनसे हमें भी जीवन को अच्छे से और सही दिशा में